हाउडी मोदी कार्यक्रम में 50,000 लोगों को संबोधित करके पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास रच दिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो वहीं ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ मिलकर इस्लामिक आतंकवाद से लड़ेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सपरिवार भारत आने का न्योता दिया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर जमकर कोसा। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग हैं जो अशांति चाहते हैं, आतंक को पालते पोसते हैं, उनकी पहचान पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है। भारत अपने यहां जो कर रहा है उससे कुछ ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है, जिनसे खुद अपना देश संभल नहीं रहा है। इन लोगों ने भारत के प्रति नफरत को ही अपनी राजनीति का केंद्र बना दिया है। ये वो लोग हैं जो अशांति चाहते हैं, आतंक के समर्थक हैं, आतंक को पालते पोसते हैं। उनकी पहचान सिर्फ आप नहीं, पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। अमेरिका में 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं? साथियों, अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। पीएम मोदी ने धारा 370 को लेकर भी भारतीय अमेरिकियों को अपनी बात कही और कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को भी फेयरवेल दे दिया है। आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारों से वंचित रखा था। इस स्थिति का लाभ आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने वाली ताकतें उठा रही थी। अब भारत के संविधान ने जो अधिकार बाकी भारतीयों को दिए हैं, वही अधिकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी मिल गए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने हाउडी मोदी का कई भाषाओं में मतलब समझाया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ 50,000 लोगों को भारत के विकास की बात कही। और इसलिए जब आपने पूछा है हाउडी मोदी, तो मेरा तो मन कहता है उसका जवाब यही है, भारत में सब अच्छा है। सब चंगा सी, बदाज मजामा छे, अंता बागुंदी, एल्ला चिन्ना गिरे।
इल्लाम सौ कियम, सर्वच्छान चल आए। सब खूब भालो, सबु बल्ला अच्छी। साथियों, हमारे अमेरिकाई मित्रों को ये आश्चर्य हो रहा होगा कि मैंने क्या बोला है। प्रेसिडेंट ट्रंप और मेरे अमेरिकी मित्रों, मैंने इतना ही कहा है, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन पीएम मोदी ने जब अपना संबोधन खत्म किया तो उसके बाद प्रोटोकॉल तोड़ते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति को हाथ पकड़कर भारतीय लोगों के बीच ले गए और लोगों का अभिवादन भी किया। Good morning, Houston. Good morning, Texas. Good morning, America. Greetings to my fellow Indians in India and around the world. Friends, this morning we have a very special person with us. He needs no introduction. His name is familiar to every person on the planet. His name comes up in almost every conversation in the world on global politics. His every word is followed by tens of millions. He was a household name and very popular even before he went on to occupy the highest office in this great country. From CEO to Commander in Chief, from boardrooms to the Oval Office, from studios to global stage, from politics to the economy and to security. He has left a deep and lasting impact everywhere. Today, he is here with us. It is my honor and privilege to welcome here in this magnificent stadium and magnificent gathering.